दोस्तों संडे कमेंट बॉक्स की एक नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ हमसे सवाल पूछे थे, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपने भी कोई सवाल पूछा है तो वीडियो के साथ आप बने रहे, हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप भी ये चाहते हो कि आने वाले संडे कमेंट बॉक्स की वीडियो में मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ अपना सवाल है वो लिखा करो, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपके सवाल को वो शामिल कर सकूं। चलिए संडे कमेंट बॉक्स का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मोबाइल है ओपन कर लेता हूं, मोबाइल मैंने यहां पे ओपन कर लिया और आज का पहला सवाल मैंने लिया है ट्विटर से और लिखने वाले हैं पवन गुर्जर और ये लिखते हैं लास्ट ईयर पूरे साल 2018 का 8th क्लास से नीचे का एडमिशन कभी भी कर सकते थे, बट इस टाइम नहीं, इस टाइम सिर्फ 2021-22 सेशन का ही। तो पवन गुर्जर मैं आपको यहां कहना चाहूंगा, देखिए शिक्षा विभाग काफी कठोर हो गया, तो ऐसे में पिछले साल की बात कुछ और थी, इस साल की बात कुछ और है। तो फिलहाल अपन पीएसपी पोर्टल पर केवल करंट सेशन 2021-22 में ही एडमिशन कर सकते हैं। पुराने सेशन यानी 2018-19 या 19-20 का एडमिशन इस साल है या फिलहाल अपन नहीं कर सकते। अगर आपके स्कूल के अंदर पीछे के सेशन के यदि कोई स्टूडेंट की एंट्री पोर्टल पर बच गई है तो इस सेशन के अंदर नई क्लास में आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि पुराने स्टूडेंट का मैं एडमिशन है पुराने सेशन में कर दूं, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग कठोर हो गया है, पोर्टल पे काफी अपडेट आ गए हैं, तो करंट सेशन में ही अपन एडमिशन है वो कर सकते हैं। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और लिखने वाले हैं आरएमडी टेक एजुकेशन और ये लिखते हैं आरबीसी के पोर्टल पर आंसर बुक डिटेल को कैसे भरे, प्लीज हेल्प मी राजगुरु जी सर, गंगाधर शर्मा डुमोली खुर्द झुंझुनू और ये मेरे काफी नजदीक से हैं। तो गंगाधर जी मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए आरबीसी पोर्टल पे जो आंसर बुक का लिंक आया है वहां पर आंसर बुक की जो डिटेल है सभी स्कूल को नहीं भरनी है, ये केवल सेंटर को भरनी है जहां पर 10th और 12th बोर्ड कक्षा की एग्जाम होनी थी जो इस बार नहीं हुई थी, केवल सेंटर को ही ये जानकारी भरनी है। बोर्ड ये जानकारी इसलिए ले रहा है, तो आपको पता है कि इस साल कोविड-19 के कारण बोर्ड कक्षाएं वो नहीं हुई थी और आरबीसी बोर्ड के द्वारा सेंटर में आंसर बुक है वो भेज दी गई। अब बोर्ड ये जानना चाहता है कि किस सेंटर में कितनी आंसर बुक बची हुई है, ताकि उन आंसर बुक को आगे की एग्जाम में काम में लिया जा सके। तो ऐसे में केवल ये डिटेल सेंटर वालों को ही भरनी है, नॉर्मल जो स्कूल है जहां पर बोर्ड का सेंटर नहीं है उनको ये जानकारी नहीं भरनी। अगर आपके स्कूल में बोर्ड का सेंटर है तो ये जानकारी आपको भरनी है। सामान्य जानकारी है कि आरबीसी बोर्ड के द्वारा आपके स्कूल के अंदर कितने आंसर बुक आई थी उनकी जानकारी आपको भरनी, सामान्य सी बात है, कोई ज्यादा गहराई वाली ये बात नहीं है। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और लिखने वाले हैं विमल चौधरी और ये लिखते हैं 10th क्लास पास इन 2018, 11th क्लास 2019, वन ईयर गैप ड्यू टू सम रीजन, 12th क्लास 2021, सर प्लीज टेल मी दैट पेपर्स आई हैव टू गिव और नॉट आरबीसी बोर्ड एग्जाम। तो विमल चौधरी मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा कि आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, अन्य स्टूडेंट की तरह आप भी आगे की कक्षा में है वो प्रमोट हो जाओगे, तो आपको यहां पे टेंशन नहीं लेनी और एग्जाम आपको नहीं देना है। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और लिखने वाले हैं ओके और ये लिखते हैं सर आरटी एडमिशन की क्या न्यूज है, फिलहाल कोई न्यूज नहीं है, नया अपडेट आएगा आगे की वीडियो में जानकारी दे दूंगा। और अगला सवाल ये लिखते हैं सर आरटी पोर्टल पर ऑनलाइन क्लास एंट्री में आरटी स्टूडेंट के नाम पर रेड लाइन आ रही है, क्या कारण है, क्या करें। तो क्योंकि मैं आपको यहां कहना चाहूंगा, यदि पोर्टल पर आरटी स्टूडेंट के आगे रेड लाइन आ रही है तो देखिए फिलहाल इसका भी मुझे जो कारण है मुझे पता नहीं लग सका है, क्योंकि मेरे सामने ये समस्या आज तक भी नहीं आई है, पहली समस्या ये मैं सुन रहा हूं। आप मुझे इंस्टा पे डीएम कीजिएगा, स्क्रीनशॉट है अपने पोर्टल का मुझे भेजिएगा, ताकि मैं उसको देख सकूं और आपकी हेल्प वो कर सकूं, क्योंकि मैं गलत जानकारी आपको देना नहीं चाहता, मेरे सामने ऐसा केस अब तक नहीं है। अगर किसी साथी के इस तरह का कोई केस आया है तो आप कमेंट में है जानकारी मुझे दे सकते हैं और इंस्टा पर मुझे फॉलो करके उसकी जानकारी दे सकते हैं, ताकि इन साथी का भी हेल्प हो सके, सभी साथियों की हेल्प हो सके। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और लिखने वाले हैं केशव राजपूत और ये लिखते हैं सर जो मार्क्स इंप्रूवमेंट के एग्जाम अगस्त में होने थे वो भी जल्दी होंगे क्या कि सर। तो केशव राजपूत मैं आपको कहना चाहूंगा कि एग्जाम मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए बिल्कुल होंगे, अब ये कब होंगे इसके लिए आरबीसी बोर्ड के द्वारा नए दिशा निर्देश वो जारी किए जाएंगे, फिलहाल
दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। जैसे इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो में मैं जानकारी आपको यहाँ पे देता रहूंगा। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं। लिखने वाले हैं सुरवीर राजपूत और ये लिखते हैं स्कूल कब से चालू होंगे। तो सुरवीर राजपूत मैं आपको कहना चाहूंगा फिलहाल है वो भी ठीक नहीं है और फिलहाल अपनी जो राज्य जो सरकार है लॉकडाउन में धीरे धीरे वो छूट दे रही है। तो देखिए हो सकता है जहां तक संभावना बन रही है अगस्त के लास्ट तक आते आते शायद स्कूलें हैं वो ओपन हो सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं अगर पीछे की साल की बात करें तो हर एक डिपार्टमेंट है वो ओपन हो गया था, लॉकडाउन है पूरी तरह से अनलॉक भी हो चुका था और सबसे लास्ट में स्कूलों को ओपन है वो किया गया था। तो ऐसे में इस साल भी स्कूलों को है सबसे लास्ट में है वो ओपन किया जाएगा। तो फिक्स डेट तो मैं आपको नहीं बता सकता कि ये कब होगा लेकिन एक संभावना बन रही है अगस्त के लास्ट और सितंबर के शुरुआत तक की। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और लिखने वाले हैं बिंदास वीडियो और ये लिखते हैं कि सर हमने तो 20-20 नंबर भर दिए हैं और लॉक भी कर दिए और आप बोल रहे हैं कि 10th के 30 नंबर भेजने, फिर से ये कैसे होगा। तो बिंदास वीडियो साहब मैं आपको कहना चाहूंगा देखिए फिलहाल हमें 20-20 नंबर है वो 17 अंक या सेशनल के रूप में है ऑनलाइन फीड करने या भरने, सभी स्कूलों के भरने 20-20 नंबर तो सबको देने। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पे 30 नंबर की तो 30 नंबर है फिलहाल नहीं भरने हैं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में जानकारी दी थी कि एक नया जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के हिसाब से जो 10th क्लास है उसके 8th और 9th और 10th के नंबर भेजे जाएंगे और 12th की बात करें तो 10th और 11th और 12th के नंबर वो भेजे जाएंगे। तो ये 30 नंबर वाला ये जो लफड़ा है इसके लिए आरबीसी बोर्ड एक नया जो पोर्टल है वो शायद स्टार्ट करने वाला है, तब हमें भरने, फिलहाल नहीं भरने, फिलहाल केवल सेशनल मार्क ही हमें भरने है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, नया अपडेट आएगा आगे की वीडियो में जानकारी आपको देता रहूंगा। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और अगले साथी लिखने वाले हैं आर के महर और ये लिखते हैं सर जी तृतीय भाषा संस्कृत की जगह पंजाबी आ गई है, संशोधन का तरीका बताओ। तो आर के महर मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा अगर आपके स्कूल में पोर्टल पर संस्कृत की जगह पंजाबी भाषा आ गई तो इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी व्यक्तिगत आरबीसी बोर्ड कार्यालय आपको यहाँ पे जाना है और कारण सहित उनको बताना है कि गलती से ऐसा हो गया था और आपके जो स्कूल का लेटर हेड है वहां पे आपको मोहर और जो कारण वो लिखना है, जो समस्या आपकी आ रही है वो समस्या आपको लिखनी है, प्रिंसिपल की मोहर आपको लगानी है और व्यक्तिगत जल्दी से जल्दी अजमेर बोर्ड कार्यालय में आपको संबंधित आपके जिले का जो ऑफिस है उससे आपको संपर्क करना है और साथ में भैया कुछ पैसे वैसे भी आपको ले जाने हैं, 5 से लेकर 10 हजार रुपए आपको साथ में ले जाने। हो सकता है कि बोर्ड के द्वारा आपको चार्ज फीस है वो भी एक्स्ट्रा शायद ले सकता है, तो ऐसे में आपको जाना पड़ेगा और वहीं से बोर्ड के द्वारा ये संशोधन हो सकता है। आप अपने लेवल पे या अपने स्तर पे है वो आप नहीं कर सकते। हाँ एक बार आप बोर्ड जाने से पहले उनको फोन कॉल के माध्यम से आप है जानकारी आप ले लीजिएगा। बोर्ड के जो नंबर है हमारी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे और आप बोर्ड की वेबसाइट पे विजिट करोगे तो वहां पर भी हेल्पलाइन नंबर है वो मिल जाएंगे, तो आप कॉल कर लीजिएगा और इस समस्या से उनका अवगत करवा दीजिएगा। आपको क्या बेटर जानकारी वहां से मिलती है उसी हिसाब से आप बोर्ड है वो जा सकते हैं, लेकिन मेरी राय में आपको बोर्ड है वो जाना चाहिए और अपनी समस्या लिखित में उनको देनी चाहिए ताकि जब भी रिजल्ट आए तो रिजल्ट आने से पहले पहले आपकी समस्या का समाधान हो जाए, वरना भैया आपकी स्कूल के बच्चों का रिजल्ट है वो रुक सकता है, दिक्कत है वो आ सकती है। तो आपको व्यक्तिगत अजमेर जाना चाहिए। तो साथियों ये तो था आज का संडे कमेंट बॉक्स का सिलसिला। उम्मीद करता हूं कि मैंने लगभग कई साथियों के सवालों के जवाब यहां पे दे दिए हैं और आशा भी रखता हूं कि शायद आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल गया और जिन साथियों का सवाल इस वीडियो में मैं शामिल नहीं कर सका उनसे मैं माफी चाहता हूं क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा आ जाते हैं और अगर मैं सभी सवालों को शामिल कर लूंगा तो वीडियो काफी लंबी है वो बन जाएगी। और कुछ कारण ये भी हो सकता है कि शायद आपने सवाल किया हो लेकिन # बोलो राजगुरु जी के साथ आपने सवाल नहीं पूछा तो इस वजह से भी शायद आपका सवाल है मैंने वीडियो में शामिल नहीं किया। तो जब भी आप अपना सवाल पूछो तो # बोलो राजगुरु जी के साथ है वो पूछा करो ताकि मैं एक फिल्टर के साथ आपके सवाल को है वो पिक कर सकूं और वीडियो में मैं शामिल कर सकूं। तो बताना दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।